हेलो गुड मॉर्निंग। तो तुलसी जी की पूजा मैं कर रही हूँ। एक्चुअली 9 अक्टूबर से ही तुलसी पूजन स्टार्ट हो गया है और ये आपका जाता है एकादशी तक, और एकादशी में ही इनका विवाह होता है, एकादशी के दिन ही। तो एक महीना कंटिन्यू दिया वगैरह जलाना चाहिए, पर मैं तो कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। खैर जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक करूँगी, क्योंकि मेरे पास चीकू है और मुझे हमेशा क्लीन होकर ही दिया बत्ती सब कुछ करना पड़ेगा। तो मैं ऑल टाइम तो क्लीन नहीं रह सकती हूँ, मुझे नहाना पड़ेगा या जो भी, लेकिन वो नहीं हो पाएगा मेरे से। तो जब जब मौका, जिस दिन क्लीन रहोगी उस दिन दीपक वगैरह जला दूंगी। उससे ये है कि मेरी इच्छाएं हैं, मेरी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं ड्राई ड्राई सा भून रही हूँ तिल मखाना और मूँगफली। तो मूँगफली तो बादाम के समकक्ष माना गया है, तो उसमें इतने ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं पता ही आप सबको। और ये जो तिल मखाना है इसमें भी ढेर सारे आयरन होते हैं और इसमें ढेर सारे पोटेशियम पाए जाते हैं, मैग्नीशियम पाए जाते हैं, और मैग्नीज, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, जिंक के ढेर सारे इसमें ढेर सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो इसको मैं भून के कर ले रही हूँ रेडी और इसको ग्राइंड करूँगी। तो ये सब मैं इसलिए करने जा रही हूँ क्योंकि मैं ये चीकू के लिए ग्राइंड करके रखूँगी एक डिब्बे में, ताकि चीकू का जब भी मैं दलिया वगैरह बनाऊँ या हलवा, तो चीकू का 2 चम्मच उसी में डाल दूँ, ताकि चीकू को ढेर सारे इसके पोषक तत्व मिलते रहें और चीकू बीमार वगैरह ना पड़े। ताकि हेल्दी खाना जब बच्चे खाते हैं तो बीमार नहीं पड़ते हैं, तो इसलिए मैं हेल्दी खाने का ही हमेशा जुगाड़ करती हूँ। और अनोखे टाइम पर भी मैं घर में कभी कुछ रहता था, मूँगफली रहता था, बादाम रहता था, या कभी भुट्टे का दाना रहता था, उस सबको पीस उसके मैं ऐसे ही तैयार कर लेती थी। और इनके टाइम पे भी ऐसा ही कुछ ना कुछ करती रहती हूँ मैं। और यहाँ पे पूरी बारिश लगी हुई है, वही मैं बता रही थी आप सबको कि देखिए इतनी बारिश लगी हुई है कि मतलब मन बिल्कुल पागल सा हो गया, दिमाग एकदम घबरा सा गया कि अब बारिश कब ख़त्म होगी। बार बार डिब्बा उठा के तुम ला रहे खाने के लिए, अब मुँह पिचका रहे हैं, मेरा चुरन तुमको भी खाना है, हैं? बार बार डिब्बा वहाँ से ले कर आते हो यहाँ, हाँ इधर दिखाओ अपना मुँह। 12 बजे सुनने के बाद एक सोया तो एक जगह, ये सोया था उठ गया, अभी को ये सो गया, बज रहा है 2:30 तो अभी को ये सो गया, मतलब हमको तो 1 मिनट भी आराम करने को नहीं मिलेगा, अभी ये तबाही मचा रहा है। कहाँ जा रहे हो चीकू? घर छोड़ के जा रहा है जी चीकू, देखो चीकू घर छोड़ के मत जा कहीं, कढ़ाई साफ रखी हमसे, उसे क्या बेचारी को गंदी करे, इसीलिए तावे भी पूछ ले रहे हैं, बेचारी बर्तन वाली चाची भी आएंगी, मांजेंगे, मेहनत करके क्या फायदा। तो यहाँ पे निकाल ली थोड़ा चना और इसे मिला दूंगी ये चूड़ा, कंप्लीट नमकीन हो जाएगा रेडी, चलेंगे हम लोग खाने। चल रहा तुमको भी देंगे, आ गए तुम मेरा पैंटी सरका दो। देखो दुकान वाला बन गया ना, देखो जैसे खरीद के लाते हम लोग चूड़ा वैसे ही बनाया है। आइए। आए नहीं है बेटा, मैं शीशा लगाऊं उसमें। जा पियो, आ गई है जा। अरे ये शीशा मुंह में डाल लिया था बेटा चीकू, हम देखो पेंट कर दिए हैं। तो यहाँ की अर्नो की घड़ी टूट गई है, तो उसको पेंट करवा रहे हैं और गुस्सा भी हो रहे हैं। और यहाँ पे मैं छत पे आ गई हूँ चीकू को लेके, और यहाँ थोड़े थोड़े चावल मैं इस पे रख दी हूँ, इसको क्या बोलते हैं मैं तो भूल ही जाती हूँ जब वीडियो बनाती हूँ, तो मतलब रेलिंग पे रख दी हूँ ताकि थोड़े जो बेचारे कौवे हुए हैं वो तो खा ही नहीं पा रहे होंगे, इतनी बारिश हर जगह चारों तरफ लगी हुई है, बेचारे क्या पाएंगे खाने के लिए। और ये देखिए कल से धुली हुई हूँ, भगवान का कपड़ा पर सूखा नहीं, और दोनों तरफ मैं दीवार पे रख दी हूँ ताकि वो लोग खा लें। और पानी की तो कमी है नहीं आजकल, भगवान पानी तो इतना बरसा रहे हैं कि उनको पानी पीने की कमी नहीं होगी, पर खाने की हो जाएगी। क्या ज़माना आ जाता है जब खाने की कमी, मतलब उन लोग को जब खाने की कोई कमी नहीं रहती है तो पानी, इतनी गर्मी पड़ती है कि पानी बेचारों को नहीं मिलता है, और जब पानी इतना सारा मिलने लगता है तो खाने की कमी होने लगती है उन लोग को, मतलब क्या भगवान जी भी उन लोग को भी कितना दिक्कत में डाल देते हैं। तो इसीलिए मैं चिड़ियों को रख दी हूँ खाने पीने के लिए, और चलिए चलते हैं नीचे क्योंकि चाची जी बस आने वाली होंगी अब, तो चीकू भी थोड़ी देर यहाँ खेल वेल ली हैं, अब चल रही हूँ मैं नीचे।
तो यहाँ शाम हो गई और शाम को भी तुलसी जी का दिया जला दूँ, तो आधा स्नान मतलब कर ली हूँ, मतलब मैंने कपड़े चेंज कर लिए है और आधा नहा के बस मैं आ गई हूँ दीपक जलाने, क्योंकि चीकू सुसु किए रहते हैं तो भाई कपड़े चेंज करने ही पड़ेंगे, तो बस दीपक जला लूँ। जा रही हूँ दलफरा बनाने, तो यहाँ पे जीरा मिर्चा और लहसुन ले ली हूँ और दाल तो नीचे है और बाकी सारा दाल इधर पीस ली हूँ, तो फटाफट से इसको ही पीस लूँ। तो लास्ट वाला बड़ा मशक्क़तों से पीसा है क्योंकि इसमें जीरा मिर्चा लहसुन था, तो बड़ी मशक्क़तों से थोड़ा सा पानी डाल के तब पीसी, तब थोड़ा सा महीन हुआ है, तो इसमें हल्दी भी डाल दूँ और नमक भी और थोड़ा हींग भी। हाँ तो यहाँ पानी मैं गर्म कर रही हूँ और थोड़ा सा इसमें घी डालूँगी, 2 चम्मच। ओहो 2 चम्मच से ज़्यादा ही हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा नमक भी डालूँगी और ये आटा गूंथने में जाएगा। तो जो पानी मैं गुनगुना गर्म की थी वो आटा गूंथने में जाएगा, तो फटाफट से आटा गूंथ लूँ। गूंथ लेंगे तो पहले थोड़ा थोड़ा ही पानी डालेंगे वरना हो जाएगा गड़बड़ घोटाला। और इधर मैं चढ़ा दी हूँ, इसके अंदर नीचे पानी है, तो आटा भी गूंथ के रेडी हो गया है। फटाफट से भर के इसमें डालूँ और देखिए मैं कैसे बनाती हूँ यूपी स्टाइल फरा। ये नीचे पानी है, नीचे पानी रहेगा और फरा जो है मैं इसके ऊपर रखूँगी। इसको स्टील के चलने पे ही बनाया जाता है, तो पहले मैं इसको खूब अच्छे से पतले रोटी की तरह बेल लूँगी, मतलब रोटी की थिकनेस थोड़ी पतली होती है लेकिन इसकी थोड़ी सी मोटी होगी, और बस बेल के ग्लास से खूब सारा गोल गोल सा काट के मतलब इसको मैं ढेर सारा रख लूँगी। उसके बाद से मैं भरना स्टार्ट करूँगी इसमें दाल। देखिए स्पून से भर दी हूँ और भर के ऐसे ही अब इसमें किनारे किनारे से मैं लगाती जाऊँगी, फटाफट से सारा फिल कर लूँ। और अर्नो का डिमांड दूसरा ही रहता है तो वो भी बनाऊंगी, तो भी दिखाऊंगी, तो फटाफट इसको फिल कर लूँ। सबसे ज़्यादा अर्नो की यही फेवरेट है तो ये डाल दे रही हूँ पहले, तो अब इसी के ऊपर पड़ जाएगा चारों तरफ फैल के और अब ढक जाएगा इसको। थोड़ा सा एक ही जगह पड़ गया है, थोड़ा इधर उधर कर दूँ। तो ये जो पतला पतला सा मैं बनाई हूँ बच्चों को बहुत पसंद आता है, तो इसमें इसीलिए मैं जो पानी होता है आटा गूंथते वक्त उस पानी में मैं थोड़ा सा नमक ज़रूर डालती हूँ ताकि बच्चों को खाने में थोड़ा टेस्ट आए। तो इसको ढक के बनाया जाता है, 15-16 मिनट में ये पक जाता है। तो फटाफट से देखिए ये हो गया है मेरा, और अब मैं फटाफट से लगा दूँ। अर्नव के फ्रेंड आए हैं तो इन लोग को दे दूँ, क्योंकि ये लोग खेलते खेलते इन लोग को लगी है भूख, तो ये रहे उनके फ्रेंड। तो यहाँ पे अर्नो से ऑयल मांग रही थी तो अर्नो लॉ के नहीं दिए हैं मुझे, लेकिन चीकू समझ गया मम्मा ऑयल मांग रही है, तो तुरंत मैं बोली चीकू से जाओ बेटा लेते आओ, तो चीकू तुरंत जाके लेके आए ऑयल। और अब जा रही हूँ सारे बच्चों को लगा दूँ थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि बरसात बारिश का टाइम चल रहा है तो बच्चों को थोड़ा ऑयलिंग वगैरह कर दो, थोड़ा सा रिलैक्स भी रहता है और ठंडक अंदर नहीं घुसती है। तो अभी बज रहा है 9:30 और 9:30 बज गया है, और ये इनके एक फ्रेंड थे तो वो बोले कि मैं आ रहा हूँ लखनऊ से और मुझे वहाँ पे बस वाला ड्रॉप कर देगा, वहाँ से मुझे तुम अपने गाड़ी में मुझे मेरे घर तक ड्रॉप कर देना। तो ये उनको लेने गए, उनको लेके और मतलब ड्रॉप करेंगे उनके घर और उनको घर छोड़ के तब ये आएंगे। तो बज रहा 9:30, शायद 10-10:30 बजे तक आ जाएँ। और यहाँ सब बच्चे देखिए और अर्नव गोद में मेरे सोए हैं, सब लोग लगे हुए हैं अपने। तो चलिए मैं अपने ब्लॉग यहीं पे कर रहे हैं एंडिंग। आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही मेरी कामना है। प्लीज स्माइल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, गुड नाइट।